अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों, इससे पहले हम कायनात यानी दुनिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला की नेमतें अनगिनत हैं, कहिए जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला की नेमतों में से इसी तरह पानी भी एक और बड़ी नेमत है। आज हम पढ़ेंगे पानी के बारे में, पानी के मुख्तलिफ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि पानी माया है और इसकी ठोस और गैस शक्ल कैसे बनती है। तो क्या और ये पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें ठोस हैं, कौन सी माया है, कौन सी गैस है। बास चीजें कुदरती हैं, वो ठोस माया गैस हैं, और बास इंसानों ने बनाई है। इंसान को अल्लाह ताला ने समझ और अक्ल दी है और उस अक्ल और समझ की बिना पर उन्होंने बनाई है। अब हम आते हैं बच्चों अपनी रीडिंग की तरफ। पेज नंबर 22, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठोस माया और गैस। You all have seen water in its different forms. आप सब ने पानी की मुख्तलिफ शक्लों को देखा है। When water is kept in a freezer, जब पानी को फ्रीजर में रखा जाता है, it forms ice, वो बर्फ की शक्ल बनाता है। Ice, बर्फ। Ice is the solid form of water. बर्फ पानी की ठोस शक्ल है। When water is boiled, जब पानी को उबाला जाता है, it changes into steam, वो बाप में तब्दील हो जाता है। Steam is the gaseous form of water. Gaseous form of water. बाप पानी की गैस शक्ल है। But water is mostly found in a liquid state. ज्यादातर पानी जो है वो माया हालत में पाया जाता है। Like water, many other things exist in three forms. पानी की तरह दूसरी भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं, तीन शक्लों में मौजूद हैं। These forms are called states of matter, और इन शक्लों को कहा जाता है मादा की हालतें कहा जाता है। The three states are solid, liquid and gas, और ये तीन हालतें ठोस माया और गैस हैं। अब सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठोस के बारे में। Things like stone, paper, pen and razor are solid. पत्थर, कागज, कलम और रबड़ जैसी चीजें ठोस हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड ठोस की एक गैर मकबूल शक्ल और मिकदार होती है। दे डू नॉट चेंज देयर शेप, वो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। व्हेन दे मूव फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, जब वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाते हैं तो वो अपनी शक्ल बदलते नहीं है, यानी तब्दील नहीं करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलों में कशिश की मजबूत कूदते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 23 पेज पे, लिक्विड सब्सटेंस लाइक वाटर, जूस, मिल्क एंड ऑयल आर लिक्विड। पानी का जूस, दूध और तेल जैसे मादे माया है। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड यानी माया की मिकदार मुकर्रर है। बट डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, और इसकी कति शक्ल नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये अपने जब ये शक्ल लेता है कंटेनर से, अपनी शक्ल लेता है। इन विच दे आर केप्ट, जिसमें वो रखे जाते हैं, उन कंटेनर से ये अपनी शक्ल लेते हैं जिनमें ये रखे जाते हैं। लिक्विड फ्लोज इजिली, और माया जो है वो आसानी से बह जाता है। बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, माया क्योंकि इनके माबेन कशिश की कुतें मजबूत नहीं है। अब हैं गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये बच्चों ऊपर आपको लिक्विड का दिखाया गया है कि लिक्विड जो माया चीजें हैं वो आसानी से क्या हो जाती हैं, बहती हैं, आसानी से बह जाती हैं। अब हम बच्चों पढ़ते हैं गैसेस के बारे में। अ गैस हैज नो पार्टिकुलर शेप और साइज और वॉल्यूम, यानी गैस की कोई खास शक्ल, साइज और मिकदार नहीं होती। लाइक जैसे लिक्विड गैसेस कैन आल्सो फ्लो, यानी जैसे माया गैस दोनों जो है ये क्या हो सकती है, बह सकती है। माया और गैस भी बह सकते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर क्वाइट नेग्लिजिबल, कशिश की कुतें इसमें बिल्कुल ना आने के बराबर हैं। वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, पर पानी जो है हरारती आने पर ये पानी बहारात में बदल जाता है।
इट इज अ गैस, ये एक गैस है। एयर इज आल्सो अ टाइप ऑफ गैस, और हवा भी एक गैस की किस्म है। एक्चुअली दरअसल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, दरअसल हवा जो है वो बहुत सी गैसों का मजमूआ है। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द गैसेस विच एयर कंटेन्स, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसमें हवा शामिल है। ऑक्सीजन इज द गैस दैट वी ब्रीथ इन, ऑक्सीजन वो गैस है जिसमें हम सांस लेते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट वी ब्रीथ आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसमें हम सांस खारिज करते हैं। ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी ये तीन हालतें जो है मादे की, ठोस, माया और गैस, ये हम इन्हें तब्दील कर सकते हैं। एक हालत से ये दूसरी हालत में हम इन्हें तब्दील कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस इसके ठोस माया और गैस के माध्यम इख्तलाफात। अब सॉलिड पहले हम देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है। सॉलिड यानी ठोस, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप, ठोस की एक मुकर्रर शक्ल होती है। अब हम देखते हैं कि माया में क्या फर्क है ठोस में। लिक्विड डू नॉट है फिक्स शेप, के लिक्विड की यानी माया की कोई शक्ल मुकर्रर शक्ल नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो अपनी शक्ल लेता है कंटेनर से, जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है उससे वो अपनी शक्ल लेता है, इसकी कोई अपनी मुकर्रर शक्ल नहीं होती। कंटेनर यानी बोतल में, जिस बोतल में या जिस किसी बर्तन में हम डालते हैं तो वो उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है, माया की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, हल्के ठोस की अपनी शक्ल होती है। अब हम देखते हैं कि गैस में क्या चीज क्या फर्क है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, के गैसें जो हैं वो उनकी कोई मुकर्रा शक्ल नहीं होती। गैसों की जो कोई है उनकी अपनी उनकी कोई शक्ल नहीं होती। अब देखते हैं सॉलिड डू नॉट फ्लो इजिली, आप देखते हैं कि ठोस जो है वो आसानी से बह नहीं सकता, ठोस चीजें जो आसानी से क्या नहीं हो सकती, बहती नहीं है। लिक्विड कैन फ्लो, माया बहता है, बह सकता है, माया जो है वो क्या होता है, वो बह सकता है। गैसेस कैन फ्लो इजीली, और आप गैसों को देखेंगे गैसें जो है वो आसानी से बह सकती है। इसी तरह सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठोस खत्मी मिकदार है, ठोस में क्या है खत्मी मिकदार है, खत्मी इन्हें हुजम है। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन माया की मकर्रा मिकदार, माया की जो है वो क्या है मकर्रा मिकदार है। गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, और गैस जो है इसकी कोई मिकदार नहीं है, कोई जिसामत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे ठोस की जो है वो होती है मकर्रर जो है उसकी मिकदार होती है, और माया की जो है उसकी भी मकर्रर मिकदार, माया की भी मकर्रर मिकदार है, और गैस जो है उसकी अपनी कोई जिसामत कोई मिकदार नहीं होती। ये थी बच्चों आज की हमारी रीडिंग, और ये वीडियो आपने बार बार सुननी है और प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह रीडिंग याद करनी है।